हेलो एवरीवन, स्नेहा हियर, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ ब्रेकफास्ट और स्नैक्स रेसिपी, और इसका नाम है प्याज की कचौड़ी, जिसे आप ऑनियन कचौड़ी भी बोल सकते हैं। और ये खाने में काफ़ी क्रिस्पी और बहुत ही स्वादिष्ट है, आप इसे ज़रूर से ट्राई करें। सो लेट स्टार्ट, देखते हैं पहले इसके लिए हमें इन्ग्रीडियंट्स क्या चाहिए। लेट स्टार्ट द मेथड। प्याज की कचौड़ी बनाने के लिए मैंने 3 बड़े प्याज लिए हैं, जिसे मैंने चॉप कर लिया है। अब एक पैन में तेल डालें, और जब ये तेल अच्छे से गर्म हो जाए, इसमें ऐड करें जीरा, तेजपत्ता, सौंफ, काला सरसों, और जब ये अच्छे से ब्राउन कलर की हो जाए, तो इसमें हम प्याज डालेंगे। और प्याज डालने के बाद इसे हम मीडियम फ्लेम में ही कुक करेंगे। नाउ ऐड सॉल्ट। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अनुसार डालें, और फिर इन सभी को अच्छे से मिक्स कर दें। जब आप देखेंगे कि प्याज सॉफ्ट पिंक कलर का हो गया है, इसमें हम बेसन ऐड कर देंगे। इसमें हमें 2 से 2.5 बड़ा चम्मच बेसन डालना है। बेसन डालने के बाद इसे हमें 2 से 3 मिनट तक और इसे हमें कुक करना है। और इसके बाद इसमें हम सारे मसाले डाल लेते हैं। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 1 छोटा चम्मच, धनिया पाउडर 1 से 1.5 छोटा चम्मच, गरम मसाला 1 छोटा चम्मच, और इन सभी को अच्छे से मिक्स कर दें। आप देखेंगे कि जो मिक्सचर है उसका कलर थोड़ा चेंज हो चुका है, और वो थोड़ा पिंक गोल्डन कलर का प्याज हो चुका है। इट मीन्स हमारा जो मिक्सचर है वो बन चुका है। गैस ऑफ कर दें, और चॉप किया हुआ हरा धनिया और मिर्च डालें अगर आपको तीखा पसंद है तो। सभी को अच्छे से मिक्स कर दें, और इसे ठंडा होने के लिए रख दें। और हाँ, इसे तेज पत्ता निकालना ना भूलें। कचौड़ियाँ बनाने के लिए हम आटा तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने 2 कप यहाँ पे मैदा लिया है, और इसमें 1/2 टीस्पून नमक ऐड किया है। आप इसमें 1/4 कप घी का मोयम डालें, और जब अच्छे से इसे आटे में मिक्स कर लें, और मोयम चेक करने के लिए आप आटे को अपने मुट्ठी में बांध करके देखें। अगर आटा अच्छे से बंध रहा है, इट मीन्स आपका मोयम बिल्कुल सही है। और इसमें अब थोड़े थोड़े वाटर डाल करके इसे हम अच्छे से गूंथ लेंगे। आटा हमें थोड़ा चिकना गूंथना है, और बहुत सॉफ्ट नहीं गूंथना है, बहुत हार्ड भी नहीं गूंथना है। इसे अब हम भींगे कपड़े से ढक करके 10 से 15 मिनट तक साइड रखेंगे। 10 से 15 मिनट के बाद हमारा आटा जो है वो बिल्कुल तैयार हो चुका है, सेट हो चुका है। इस तरह से हम इसके छोटे बॉल्स बनाएंगे, और इसे सूखे आटे में डस्ट कर लेंगे। और इसे हमें 2 इंच डायमीटर में बेल लेना है, सर्कल बना लेना है, और इसके बीच में हमें स्टफिंग रखनी है। स्टफिंग बहुत ज़्यादा फिल नहीं करें, नहीं तो ये कचौड़ियाँ फट जाएंगी। और इस तरह से आप जैसे वीडियो में देख रहे हैं, सारे एजेस इसके पकड़ के हमें कचौड़ी को बांध देना है, अच्छे से इसे टाइट से बंद करना है। कचौड़ियाँ हमारी अच्छे से बंद हो चुकी हैं। इसे हाथों से थोड़ा प्रेस करें ताकि ये खुले नहीं। और इसी तरह से हम बाकी की सारी कचौड़ियाँ बना लेंगे। और गैस में मैंने ऑयल पहले से गर्म करके रखा था। कचौड़ियाँ डालने से पहले गैस को स्लो में डाल दें। और इन कचौड़ियों को हमें गोल्डन ब्राउन होने तक कुक करना है, स्लो टू मीडियम फ्लेम में। फ्लेम हमारा तेज नहीं रहना चाहिए, नहीं तो ये कचौड़ियाँ अंदर से कच्ची रह जाएंगी। हमें मीडियम और स्लो फ्लेम में ही ये कचौड़ियों को तलना है। ये देखिए कितना अच्छा गोल्डन कलर आ रहा है इसका। इन कचौड़ियों को आप हरी धनिया की चटनी या फिर इमली की खट्टी मीठी चटनी के साथ सर्व करें। इमली की खट्टी मीठी चटनी और हरे धनिया की चटनी आपको मेरे YouTube चैनल पे मिल जाएगा। और इंजॉय करें इस खस्ते प्याज की कचौड़ी को। इन कचौड़ियों को आप रख के ठंडा भी खा सकते हैं। ये खाने में काफ़ी टेस्टी होती है, और बहुत ही क्रिस्पी होती है।
होप आपको मेरा आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें और अपने कमेंट्स मुझे लिखना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।